शनिवार को जिले के पालक मंत्री नितिन राउत और महापौर दया शंकर तिवारी ने पाजपावली महिला हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का किया शुभारंभ। ममता के पाजपावली सेंटर में पहला वैक्सीन वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर दीपांकर भिवगड़े ने लिया। उसके बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संगीता बालकोटे, डॉक्टर मंजुषा मठपति, डॉक्टर वैशाली मोहकर को वैक्सीन लगाया गया। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के एक अधिकारी ने शराब के नशे में हुए विवाद के बाद अपनी पत्नी पर एयर गन से फायर किया। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को राजभवन के सामने बिना अनुमति किए गए विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ गिट्टीकदान थाने में विविध धाराओं के तहत किया मामला दर्ज। पहाड़ी थाना अंतर्गत भंडारा रोड पर चार दिन पहले एक युवक की लाश मिली थी, जिसके पोस्टमार्टम के बाद उसका गला घोटकर हत्या किए जाने की जानकारी सामने आई। एमआईडीसी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने घर में फांस लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नीतू महतो बताई गई। मोमिनपुरा परिसर की एक बेकरी में तोड़फोड़ कर लूटपाट करके फरार हुए अपराधी को तहसील पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाड़ीनाका करीब कांचीमेंट परिसर के केतन हुंडाई कार के सर्विसिंग कक्ष में शनिवार को अचानक आग लगने से खलबली मच गई। हादसे में कोई भी जीवित हानि नहीं। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पुरी और जोधपुर के बीच 20 जनवरी से चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन। मनपा ने नागरिकों की सुविधा के लिए 10 जोन में करीब 22 काउंटर शुरू किए। ये काउंटर रविवार 17 जनवरी को भी खुले रहेंगे, ताकि नागरिक बकाया बिल जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।